हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 36 साइज पिंचेस का बूट नेक ब्लाउज बैक साइड में नेक डिजाइन लगाकर हमें सिलाई करके दिखाऊंगी। यह हम पिछले वीडियो में काट किया है। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से सिलाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। ये बैक साइड है, देखिए बैक साइड में इस तरह से हमें नेक डिजाइन काट किया है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट सिलाई करना है। तो देखिए हमें इस पार्ट को पहले साइड में रख देना है, ये फ्रंट पार्ट है। तो पहले देखिए हम इसको सीधा साइड को इस तरह से इसके साथ मिला कर लेना है, इस तरह से रखना है। देखिए हम इसमें अलग से नेक कुट्टी नहीं लगाना है, तो इसलिए हमें हम एक साथ सिलाई कर लेना है इस तरीके से। देखिए देखिए ये नेक का फैब्रिक है। तो पहले हम इसको पिंछे पिन अप कर लेना है। पिंछे पिन अप करने से हमें सिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए हमें पिंछे पिन अप कर लेना है। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। फिर उसके बाद हम नेक को सूता सूता काट लगाना है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं काट करना है। ये काट हर ब्लाउज हर कमीज में देना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं देने से आपका नेक का फिनिशिंग कभी अच्छा दिखाई नहीं देगा। यहाँ से भी हमें पिंछे पिन अप कर लेना है। फिर देखिए हम इसको एक सिलाई कर देना है। हमें इसको इस तरह से लेना है, यहाँ से हमें बराबर मिला कर लेना है। अभी हम यहाँ से सिलाई लगाना है। अभी इस साइड से भी सिलाई कर लेना है। फिर देखिए यहाँ से भी हमें बराबर मिलाकर सिलाई करना है। देखिए देखिए हमें नीचे से भी एक सिलाई कर लेना है, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक और अंदर का नेट और अंदर का फैब्रिक अलग ना हो, इसलिए हम यहाँ से एक सिलाई कर लेना है।
तो अब हम बैक पर सिलाई करना है। देखिए यहाँ से भी हमें पीछे पिनअप कर लेना है। उसके बाद देखिए हम इसको देखिए इस तरीके से हमें इस तरह फैब्रिक लिया है, तो अब हम इसको भी इस तरह से पिन से पिनअप कर लेना है। हम यहाँ से सिलाई करना है। तब हम इसको काट कर लेना है। तो इसके बाद देखिए अब हम जो भी ऐसा कपड़ा है हम इसको काट कर लेना है। तब हम देखिए नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। उसके बाद देखिए अभी हम इसको इस तरह से सिलाई करना है। देखिए नेट का फैब्रिक का साइज नहीं, सिर्फ देखिए ये फैब्रिक का साइज हमें सिलाई करना है, जिसका हम पट्टी सिलाई किया है पट्टी के साइड से हमें सिलाई लगाना है।
नेक पट्टी को हम इस तरह से करने के बाद हम अभी सिलाई कर लेना है। तो देखिए अभी हम इसको सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि हमें बैक साइड से हुक रखना है। इस तरह से पहले बराबर मिला कर लेना है। तो यहाँ से हम हुक पट्टी सिलाई करना है पहले। तो देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई करना है। तो इस तरह से फिर से फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से फिर अभी हम यहाँ से सिलाई कर लेना है। यहाँ से नेक पट्टी सिलाई करना है। उसके बाद हम दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद हम स्लिप सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हम स्लिप सिलाई कर लेना है। स्लिप को देखिए हमें मिडल से बराबर मिला कर लिया है। देखिए हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है। उसके बाद देखिए दूसरा साइड से भी फोल्ड करके सिलाई करना है। उसके बाद हम साइड से देखिए इस तरह से पहले मिला कर लेना है। बाद में हम इसको फिटिंग नाप लेकर हमें सिलाई कर लेना है। पहले हमें यहाँ से एक सिलाई कर लेना है।
और देखिए दूसरा साइड से भी। कमरपट्टी सिलाई करना है हमें, यहाँ से कमरपट्टी काट कर लेना है। कमरपट्टी आपको 1.5 इंच पर 2 इंच रखकर काट कर लेना है। हम यहाँ आइडिया से काट कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए हमें कमरपट्टी सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हम इसको इस तरीके से सिलाई करना है कमर। तो इसके बाद हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करना है। देखिए हमें इसको मशीन से सिलाई कर लेना है। तो देखिए अभी हम यहाँ से 36 साइज के हिसाब से हमें सिलाई कर लेना है। देखिए इसका सिलाई पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर फ्रेंड वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नई वीडियो के साथ अगला वीडियो में।